Good morning everyone and welcome back to online classes. Today I will continue the same chapter, that is chapter 11, Dolls Over the Ages. Okay, so let's continue the chapter. In Korea, a traditional doll was made out of a bamboo pipe and long grasses was used to form the hair. This doll was not given any features on the face, but some white powder was rubbed over a small area. Okay, तो यहाँ पे कोरिया के बारे बता रहा है कि कोरिया में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल डॉल और ट्रेडिशनल डॉल होती हैं वो बनाई जाती हैं किससे, बैम्बो पाइप से, ठीक है, और उनके हेयर के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग ग्रासेस का, ठीक है, और वहाँ पे उनका जो फेस का फीचर्स होता है वो कुछ भी नहीं बनाया जाता, जैसे कि नोज, आईज, लिप्स, ये सारा जो है वो उसका कोई सा भी नहीं बनाया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है कि छोटा सा पार्ट में, यानी कि जो बैम्बू पाइप बनाया जाता है उसमें हेयर लगाया जाता है, और उसके स्मॉल पार्ट में क्या किया जाता है, वाइट कलर का पाउडर रब कर दिया जाता है, यानी देखने में जैसे लगे कि वो क्या है, एक डॉल है. सम ऑफ द अर्लीस्ट रशियन डॉल्स वर मेड ऑफ पाइन कोन्स एंड दीज वर क्लोथ विद मॉस एंड क्लॉथ. Another Russian doll is the Matryoshka doll, also known as a Russian nesting doll or a Babushka doll. तो बता रहे हैं कि ये अब बात है, पहले हम लोग कोरिया के बारे में पढ़े थे जहाँ पे बैम्बू पाइप से डॉल्स बनाई जाती थी, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रशियन डॉल्स के बारे में, ठीक है. तो रशियन डॉल्स जो है वो बनाई जाती थी पाइन कोन से, और वहाँ पे बोल रहा था और भी क्या है, एंड दीज वर क्लोथ्स विद मॉस एंड क्लॉथ, ठीक है, और उन्हें किससे और किस चीज की होती थी वो, यानी कि क्लोथ्स की, कपड़े की भी. अब बोल रहे हैं कि दूसरी रशियन डॉल जो होती थी उसका नाम क्या रखता, उसका था मैट्रोशका डॉल, जिसको और भी क्या नाम से जाना जाता था, कौन से नेम से, बाबूशका डॉल से. इट इज अ सेट ऑफ डॉल्स ऑफ ड्रेसिंग साइज प्लेस्ड वन इनसाइड द अदर. A set of matryoshka consists of a wooden figure which separates top from bottom. To reveal a smaller figure of the same sort inside, which has in turn another figure inside it, and so on. The first Russian nested doll set was crafted in 1890 by Vasily and Zivyos Dokin, यानी कौन है, ये एक वसीली Zivyos Dokin जो है वो नेम है इसका, रशियन जो डॉल मेकर था उसका. तो यहाँ बता रहे हैं मैट्रोशका डॉल्स जो होती थी उसके बारे में, जिसको मैट्रोशका डॉल्स को और किस नेम से जाना जाता था, बाबूशका डॉल से, ठीक है. तो जो रशियन डॉल्स थी जिनका नाम था डैट मीन्स बाबूशका डॉल्स या फिर मैट्रोशका डॉल्स, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी होती थी. तो वो होती थी वुडन की, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और वो एक सेट में तैयार की जाती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होती थी, वो डिक्रीजिंग साइज की, जैसा कि आपके यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, डिक्रीजिंग साइज, साइज जो है वो कम हो रहा, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी छोटी, इस टाइप से ये सेट होती थी, ठीक है. तो क्या बता रहे हैं कि बाबूशका डॉल्स या जो रशियन डॉल्स होती थी उनका साइज जो है वो डिक्रीज करता जाता था एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है. तो ये जो है, और ये किस चीज की बनी होती थी, वो होती थी लकड़ी की बनी हुई, पूरा जो मतलब पूरा उनका जो होता था बॉडी वो किस चीज का था, लकड़ी का बना होता था. और आगे बता रहे हैं, और इसे जो इसका फर्स्ट जो था रशियन नेस्टेड डॉल वाज क्राफ्ट इन 1890, और ये इसको बनाने वाले कौन थे, वसीली एंड ज़ेवियोस टोकिन. द डॉल सेट वाज प्रिंटेड बाय द फॉक क्राफ्ट पेंटर सर्गे एंड मालियोटिन
and who was inspired by a set of Japanese wooden dolls and representing the seven gods of fortune. अब आगे बता रहे हैं किसके बारे में कि यहाँ पे तो बताया है कि जो रशियन डॉल मेकर थे, बताया ना कि इन नेम है, ये रशियन डॉल मेकर थे वो, क्योंकि इस अपने इस डॉल की वजह से वो बहुत फेमस हुए जो उन्होंने बनाया था. कौन सा डॉल? बबुशका या फिर मैट्रोशका डॉल, जो सेट ऑफ डॉल होती थी. तो बोली जो सेट ऑफ डॉल का जो सेट होता था वो कैसा होता था उसके बारे में, उसको में क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था, क्राफ्ट पेंट, जैसा कि आप लोग इसमें देखे ही हैं. यहाँ पे फिगर में आप लोग के दिखाया हुआ है, डॉल से ये बनी हुई है लकड़ी को और इसमें क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है. ठीक है, जो ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे इस तरह का, मतलब बनाना डॉल बनाने के लिए कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे, वो जापानीज वुडन डॉल. ठीक है, वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे ये लोग, यानी जापान की वुडन डॉल से. और जहाँ पे ये दिखाया गया था यानी कि जापान में भी जो है वो सेवन डॉल्स हुआ करती थी, जो किस चीज की होती थी, फॉर्चून की. ठीक है, तो फॉर्चून के लिए वो लोग भी क्या करते थे, गॉड्स मानते थे किसी डॉल को, और वो कितने डॉल्स बनाते थे, सेवन, जैसा कि मैट्रोशिका डॉल्स होती हैं. द जापानीज यूज डॉल्स फॉर वेरियस पर्पस. प्रिमिटिव एंड जापानीज डॉल वॉज मेड ऑफ स्टिक्स एंड स्ट्रिंग कवर्ड विद पेपर क्लोथिंग एंड सम डॉल्स वर ड्रेस्ड एंड फेड एंड ट्रीटेड एज डॉल लाइफ. दीज डॉल्स वर गिवेन टू मदर्स टू वार्ड ऑफ इविल फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. जापानीज वुमेन एंड हु डिजायर टू हैव अ चाइल्ड रिप्रेजेंटेड डॉल्स एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. The Japanese also have and ceremonial dolls for boys and girls. These are not for playing but for simply exhibiting on a special day. The boy exhibit their warrior dolls on March 3 and the girls festival falls on May 5. अब यहाँ पे बात की जा रही थी, इससे पहले हम लोग कोरिया का देखें, रशिया का देखें, अब यहाँ पे जापान का देखेंगे. तो जापानीज डॉल्स जो होती थी वो कैसी थी उनके बारे में पढ़ेंगे. तो जापानीज डॉल्स जो है वो बनाई जाती थी अलग अलग पर्पस के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पुराने जो होते थे, पुराने जापानीज जो होते थे, ओल्ड टाइम के जापानीज डॉल जो होते थे, वो किस चीज से बनाई होती थी, स्टिक्स एंड स्ट्रंग से, और जिसमें क्या होता था, कवर्ड विद पेपर क्लोथ. ठीक है, वो कवर की जाती थी पेपर क्लोथ से. सम डॉल्स फॉर ड्रेस्ड एंड फिट. और यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि कुछ डॉल्स जो थी उन्हें ड्रेसअप किया जाता था, यानी कपड़े पहनाए जाते थे उन्हें, ऐसा यानी कि इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो क्या हो, जिंदा हो, उनके साथ ट्रीट होने, उन्हें ड्रेसअप करना, उन्हें फेड करना, यानी उन्हें खिलाना. तो ये बता रहा है कि ऐसा लगता था कि वो क्या है, लाइव है, जिंदा है. अब बता रहे हैं कि वहां पे एक और जो कस्टम था वो क्या था कि डॉल्स जो है वो मदर को दी जाती थी ताकि वो अपने बच्चे को क्या कर सके, बुराई से बचा सके. अब आगे बता रहे हैं, जापानीज वुमेन हु डिजायर टू हैव अ चाइल्ड रिप्रेजेंटेड डॉल इन द प्लेस ऑफ वर्शिप. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जापानीज डॉल जो थी उन्हें क्या किया जाता था, जिन्हें भी किस चीज के यानी के विश होती थी कि अगर के वो भी मदर बनना चाहती थी तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें गिफ्ट में दिया जाता था एज डॉल. ठीक है, जिसे वो अपने कहाँ पे रखती थी, पूजा घर में, यानी के प्लेस ऑफ वर्शिप, वहां पे रख देती थी उस डॉल को जिसे विश होती थी कि उनका भी एक बच्चा हो. आगे बता रहे हैं कि और जापानीज लोग जो है वो बॉय और डॉल्स के भी बनाते थे और उनका फेस्टिवल भी बनाते थे. और यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने यानी और उन्हें जो एक स्पेशल डे पे उस डॉल को शो करना पड़ता था, और बॉय के लिए बॉय जो है उस डॉल को वो शो करते हैं एक पर्टिकुलर डे पे, और वो डे कौन सा होता था, यानी 3rd March. उसी तरह गर्ल्स जो है वो भी उनका भी फेस्टिवल मनाया जाता था,
और वो जो है कब होता था, 5th मई। दैट मीन्स ये उनके लिए क्या किया गया था, ये बना दिया गया था फेस्टिवल।